हेलो दोस्तों, दोस्तों जैसा कि अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये कि मैं काफ़ी टाइम से एक ड्रोन लेने की सोच रहा था, बट मुझे लगा कि शायद उससे पहले मुझे एक सस्ता सा ड्रोन लेके पहले ड्रोन उड़ाना सीख लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ड्रोन मंगाया था जो कि बहुत चीप प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी का था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास रिमोट है अब ड्रोन का, बट मुझे लगा इससे पहले कि मैं आपके सामने वो ड्रोन लाऊं, उसकी अनबॉक्सिंग करूं, उससे पहले मैं एक बार उसे चला के टेस्ट कर लेता हूं कि जो कंपनी से मेरे पास ड्रोन आया है वो प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। तो उसी को हम टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट करते 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 वो इतने हाइट पे चला गया कि आउट ऑफ रेंज हो गया, सिग्नल कनेक्ट नहीं हुए और वो ड्रोन मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। मैं लर्निंग पीरियड में था तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और फाइनली वो ड्रोन लॉस हो गया हमारा। वीडियो में आपको अभी शेयर कर दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे कि कैसे हमारा वो ड्रोन लॉस हुआ है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ड्रोन जो मैं आपके लिए लाया था, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला था, उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आपको बताने वाला था, वो मैं अब नहीं कर पाऊँगा। बट दोस्तों चिंता ना करें, बहुत जल्द मैं उस ड्रोन को दोबारा ऑर्डर करके दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए, शायद मुझे मिल जाए कहीं पर। अभी लड़के लोग ढूंढ रहे हैं उसे, देखिए ढूंढ रहे हैं लड़के। ये हम जंगल में आए हैं, देख रहे हैं उसको कि शायद वो मिल जाए। पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो चुका है, पिछले आधे घंटे से हम उसे ढूंढ रहे हैं और हाइट इतनी ज़्यादा थी कि कह नहीं सकते कि वो कहाँ तक गया होगा। तो उसको ढूंढना तो अब मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट करना है। तो हम चलते हैं बैक टू होम, अपने घर, और एक दूसरा ड्रोन ऑर्डर करते हैं, सेम ड्रोन, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं उस ड्रोन को और बताते हैं उसके बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छा ड्रोन है लर्नर के लिए, जो एक नया ड्रोन चाहते हैं, अपने ड्रोन का शौक है और वो चाहते हैं कि उनके पास एक ड्रोन होना चाहिए अच्छा, और वो ड्रोन के शौकीन हैं। तो बहुत चीप और अच्छी क्वालिटी का ड्रोन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब भी दिखाता बट किसी वजह से अब नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही हमने उसकी टेस्टिंग कर ली और टेस्टिंग में ही उसका काम हो गया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा इस ड्रोन को आपके लिए लाऊंगा, इसके फीचर्स, इसके प्राइस, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और जानेंगे इस ड्रोन के बारे में। और मैं आपको बता दूं ये जो ड्रोन था बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में था। प्राइस वगैरह बता के फ़ायदा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही मैं आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। ये दोस्तों यहाँ से हमने इसे उड़ाना स्टार्ट किया था। पहले तो हमने इसे काफ़ी नीचे रखा ताकि ये कंट्रोल में रहे और प्रॉपर तरीके से हम देख पाए कि कैसे कैसे इसे हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग काफ़ी अच्छा था और जैसे जैसे हम इसे उड़ा रहे थे, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब अगर आप कोई नॉर्मल एक छोटा ड्रोन भी अगर आप उड़ाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो हम इसे इंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल नीचे नीचे मैं इसे उड़ा रहा था, जैसे कि मैंने सोचा हुआ था। अदर वीडियोज़ में भी मैंने देखा था कि काफ़ी लॉस होने का बहुत डर होता है, क्योंकि आप न्यू होते हैं तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसे नीचे नीचे उड़ाता रहा और इन्जॉय करता रहा। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, मुझे लगा शायद मैं इसे कंट्रोल कर लिया मैंने, और जैसे ही मैं इसे हाइट पे ले गया मुझे लगा थोड़ा ऊपर ले जाके इसकी रेंज को चेक किया जाए। तो जैसे जैसे ही ऊपर गया कंट्रोल से बाहर हो गया। अब मैं इसे कहीं पे भी टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। अभी धीरे धीरे आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे ये आउट ऑफ कंट्रोल, ये अब पूरी तरह ये लॉस हो चुका है, कहाँ गया है, कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता। ये पेड़ काफ़ी सारे थे जिसकी वजह से ये इसकी विजिबिलिटी भी ख़त्म हो गई थी, मैं इसे देख भी नहीं पाया कि ये कहाँ गया। टूटेगा तू हाँ तो